ऐसे लोगों का चयन करना नितांत आवश्यक है। ऐसे लोगों का चयन करना नितांत आवश्यक है जो अपनी बहनों को भूल करके दूसरे की बहनों पर हाथ डालने का काम करते हैं। अरे खाली सत्ता में आने दो, इस बार हाथ कटवा दूंगा, हाथ जिस हाथ से छेद हाथ को कटवा दूंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, ये भारत देश परिवर्तन वाला देश है, हर समय परिवर्तित होता है। जैसे आपके व्यवहार, आपकी मानसिकता में परिवर्तन आया, आज एक बेटी के लिए हजारों लोग खड़े हैं। आप बताओ, अगर बलुआ थाना को फूकना होगा तो बताओ चलोगे कि नहीं चलोगे? नहीं चलेंगे, चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चल जाई, आज चल के औकात में लिया भाई जाई कि गरीबन के साथ अन्याय अगर होत बा तो के रोके का प्रयास हो, और नहीं तो जिस दिन भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का खून खौलेगा उस दिन पूरा चंदौली जलना चालू हो जाएगा। एक हमारा आपसे निवेदन है, 14 साल के अथक प्रयास के बाद आए गरीब भाइयों, आपके पक्ष में कानून बना हुआ है। अभी एक महीने के अंदर अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कानून बनाया है, जो हम लोगों की डिमांड थी। अगर भारत देश का संविधान परिवर्तनशील है, अगर भारत देश के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, अगर भारत देश में व्यवस्था बनाया गया है कि जो अन्याय करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, तो सिर्फ कार्रवाई से काम चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री से कहा गया कि किसी ऐसे कानून और प्रावधान की तैयारी बनाओ कि जिससे एक दहशत का माहौल हो। ऐसे लोग 127 करोड़ की आबादी में, जिस हमारी बेटी को घूमने का अधिकार है, जिस हमारी बहन को घूम करके पढ़ाई करने का अधिकार है, जिस बेटी और बहू को घूम करके अपना अधिकार लेने का अधिकार है, उसके साथ ऐसे गंदे व्यवहार करने वाले लोगों को अब मुकदमे में नहीं बल्कि फांसी पर लटका दिया जाए।